ऐसे जी जी बेसिक को टच कीजिए, अभी जी टू में कर लीजिए आप। नहीं, आपने बीटीसी किया है ना, बीएसडी को टच कीजिए, देन बीटीसी सेलेक्ट कीजिए। वाले में जो बीएसडी लिखा है उसमें आपको बीटीसी करना है। जहां पे बीएसडी लिखा है वहां पे वहां पे बीटीसी करना है, आपको बीटीसी सेलेक्ट करना है। फॉर्म जहां लिखा हुआ है वहां पे कन्वर्ट फॉर्म लिखा है ना, उसमें सर्च कीजिए बीटीसी। जी चलिए बीटीसी को सेलेक्ट कीजिए। अभी टू यहां पर लिखा है कन्वर्ट टू, उसमें लिखिए बीयूएसडी, जो तीन नंबर दिख रहा है उसको टच कीजिए। अरे मैक्स कर दीजिए पहली लाइन में, बीटीसी वाला लाइन में। ओके, आपके पास बीटीसी नहीं है, कुछ और। चलिए मैं कर दीजिए, उसके बाद में देखते हैं। बैक करिए और बैक करिए। चलिए बैक टू होते हैं कि कहाँ से हम डॉलर को सेल आउट करना है। अजी सर बैलेंस ओपन कर लीजिए। सर ने अभी 3.9 डॉलर यहाँ पे ट्रांसफर किए हैं। वैलेट को टच कर लीजिए सर, वैलेट सबसे नीचे वैलेट। ओके, अभी देखिए सर के पास 3.94 था, एक्सपोर्ट को टच कीजिए। एक्सपोर्ट 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 टू पर 3.94 के पास डॉलर है जो इन्होंने ट्रस्ट वैलेट से ट्रांसफर किए थे। अब उससे हमें सेल आउट करनी है। अब प्रोसीजर हो रहा है सेल आउट करने के लिए, तो सर ट्रांसफर को टच करेंगे, डिपॉजिट विदड्रॉल ट्रांसफर है ना, ट्रांसफर टच करें। ट्रांसफर को टच करने के बाद दोस्त हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि एक्सपोर्ट वैलेट से फंडिंग वाले में पहले आता है, याद रखिएगा। पहली लाइन में फ्रॉम आएगा एक्सपोर्ट वैलेट, सेकेंड लाइन में टू रहेगा फंडिंग, और नीचे बीटीसी लिखा ना उसको करना है बीयूएसडी। तो सर बीटीसी को कर लीजिए बीयूएसडी एक नंबर पे। अभी आपको जितना डॉलर सेंड करना है मैक्स कर लीजिए, मैक्स करना है तो अमाउंट इतना करने के बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फ्रॉम रहेगा एक्सपोर्ट वैलेट, टू में रहेगा फंडिंग, थर्ड में बीयूएसडी, क्योंकि हम बीयूएसडी पे काम करते हैं। देन करना है हमें कंफर्म ट्रांसफर, तो कंफर्म ट्रांसफर कर दीजिए। चलिए ये ट्रांसफर हो गया आपका फंडिंग में, ऊपर के लाइन रखिए फंडिंग में। चलिए रिफ्रेश कीजिए। ओके, अब ये सारे डॉलर आपके आ गए फंडिंग में। पहले वाला भी तो फंडिंग में था जो आपके बाइनांस पर हुआ था। कुल मिला के 6 डॉलर 6.36 डॉलर आपके पास अवेलेबल है जी। अब हम यहाँ पे करेंगे सेल। सेल करने के लिए जो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है T2T, उसको टच करना है।